जिले भर में हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। दुर्ग शहर स्थित शिवनाथ नदी भी अपने पूरे शबाब पर बह रही है। वहीं इस नजारे को देखने बड़ी संख्या में लोग नदी किनारे पहुंचकर सुरक्षा की अनदेखी कर शिवनाथ नदी के नजारे का लुत्फ उठा रहे हैं। मानसून की दस्तक के साथ ही जिले भर में हो रही बारिश के चलते सभी प्रमुख नदी नाले उफान पर हैं। इसके साथ ही बांध से भी पानी ओवरलोड होने के कारण समय समय पर पानी छोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग में स्थित शिवनाथ नदी भी इन दिनों अपने पूरे शबाब पर बह रही है, जिसमें अभी तक लगभग मोंगरा जलाशय से लगभग 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जिसके बाद अब शिवनाथ नदी पर बने एनीकेट पूरी तरह से डूब गया है और 4 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। इस नज़ारे को देखने शहर भर से लोग शिवनाथ नदी पहुँच रहे हैं और बहते पानी का नज़ारा देख रहे हैं। इसके साथ ही यहां कोई अनहोनी ना हो सके इसको लेकर भी प्रशासन की ढीली व्यवस्था नजर आ रही है। लोग अपनी मर्जी से नदी के घाट पर पानी के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। वहीं पालकों ने भी अपने छोटे छोटे बच्चों को किनारे पर बैठाकर जोखिम उठाकर बहते नदी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा दिन भर में एकाध बार गश्त लगाकर खाना पूर्ति कर दी जाती है, मगर लोगों को किनारे जाने से रोकने वाला यहां पर कोई भी नहीं है और जो कर्मचारी वहां तैनात हैं उनकी वहां कोई सुनता तक नहीं। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इस दिशा में किस तरह से नदी पहुंचने वाले लोगों की सुरक्षा मुहैया करवाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।